तो हम लोग बहुत ज्यादा अभी इस चीज को लेकर परेशान है कि कहाँ कहाँ से देखें यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, क्योंकि जितनी भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से वो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है उसको देख लें और फिर शांति से मन लगाकर आगे अपनी जो यूपीएससी की तैयारी है उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि होता क्या है कि कई बार आपको एडमिट कार्ड में, जैसे कि कल एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो ज़्यादातर यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट करते हैं, क्या गलतियां आपने नहीं करनी है। कई बार होता क्या है ना, लोग वो गलतियां कर देते हैं, वो गलतियां आप उस वीडियो को ज़रूर से चेक करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वो गलतियां लोग कर देते हैं और उसके बाद तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो एडमिट कार्ड, जब स्टूडेंट्स जो है अपना एडमिट कार्ड देख लेते हैं तो उनको आराम मिल जाती है कि नहीं ठीक है, ये अब कोई परेशानी नहीं है, अब उस दिन बस एग्जाम देने जाना है हमें और ये हमारे पास एडमिट कार्ड हमारा अपने हाथ में आ गया है, सब कुछ हमने चेक कर लिया है। अच्छा, एडमिट कार्ड मिलने के बाद क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो से ठीक पहले हमने वो यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट करा है, तो उसको भी आप लोग जो है वो जरूर से चेक कर लेना। क्योंकि अगर आप अगर एक बार को आपका एडमिट कार्ड मिल भी जाता है और आप वो गलती करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाएगी। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपको जैसे कि पता होगा कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है वो इस वाली वेबसाइट यानी कि upsc.gov.in पर आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जैसे कि आपको ये बात पता होगी कि पहले 26 मई को यूपीएससी होने वाला था, फिर यूपीएससी रेशेड्यूल हुआ 16 जून के लिए। ठीक है, अब ये डिसीजन वजह से लेना पड़ा था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फॉलोइंग दिस द मेंस एग्जाम विल हेल्ड इन फ्रॉम सेप्टेम्बर 20 फॉर 5 days, ये डेट भी आप लोग ध्यान रख लें, ये आपको पता ही होगा। दिस ईयर द कमीशन हैज नोटिफाइड अ टोटल ऑफ 1056 वैकेंसीज फॉर सीएससी एंड 150 फॉर आईएफओएस। ठीक है, अब आप ये समझ लें कि इस समय में आपका जो यूपीएससी का एडमिट कार्ड है वो आपको upsc.gov.in इस वाले लिंक पर, इस पर आप बार बार जाएं और चेक करते रहें। यहाँ से आपको ये जो लिंक है upsc.gov.in, कई बार लोग गलत लिंक पर भी चले जाते हैं, इस लिंक पर ही जाके आपने अपना चेक करना है। आप बार बार विजिट करते रहें इस लिंक को, और इससे पहले भी हमने एक इम्पॉर्टेंट सूचना दी है उसको भी आप लोग जरूर से देखें। आपने जो लिंक जो है वो upsc.gov.in वहाँ पे जाकर ही अपना एडमिट कार्ड जो है चेक करना है।